मेरठ में दौराला इलाके में लोहिया गांव के खेत में दफन मिले एक शव की गुत्थी को एक साल की जद्दोजहद के बाद सुलझा लिया गया है। पुलिस ने मृतका की पहचान लुधियाना की रहने वाली एकता के रूप में की है। बीकॉम की पढ़ाई कर रही ये छात्रा करीब एक साल पहले घर से 25 लाख रुपए की ज्वेलरी लेकर अमन नाम के लड़के के साथ फरार हुई थी। बीते साल युवती को पता चला था कि जिस अमन के प्यार पर भरोसा करके वो घर से भागी थी वो असल में शाकिब था। वहीं भांडा फूटते ही शाकिब ने युवती की हत्या कर शव को खेत में दबा दिया। पुलिस का मानना है कि इस हत्या में शाकिब के साथ कुछ अन्य लोग भी शामिल हैं। इसी आशंका के तहत पुलिस ने महिला समेत कई लोगों को गिरफ्तार किया। इस मामले में प्रेस वार्ता के दौरान मृतका के परिजनों का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने आरोपी की जमकर पिटाई कर दी। इतना ही नहीं, शाकिब ने पुलिस कस्टडी से भागने की कोशिश भी की, लेकिन पुलिस ने शाकिब को मुठभेड़ में गोली मारकर घायल कर दिया। ये आज एक अभियुक्त था शाकिब, जिसको मेडिकल के लिए ले जाया जा रहा था, वहाँ से ये एक आरक्षी था, उसकी हथियार छीन के ये भागा और पुलिस टीम ने इसका पीछा किया। इसके द्वारा फायरिंग की गई जिसमें एक आरक्षी को गोली लगी है और पुलिस द्वारा की गई काउंटर फायर जो हुई है उसमें शाकिब को 3 गोलियां लगी हैं और इसको जिला अस्पताल ले जाया गया है। बाकी इसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। सर, इसने किस तरह से भागने का प्रयास किया था पुलिस सुरक्षा से, क्योंकि पुलिस परिजनों ने पिटाई करी थी और काफी दूरता से हमने एक युवती की हत्या की। हाँ, ये पंजाब में एक एकता नाम की युवती थी जिसकी हत्या इन्होंने सर काट कर की थी और 6 लोगों को आज गिरफ्तार किया गया था उस संपर्क में, जिसमें जो अलग अलग जेल ले जाया जा रहा था वहाँ से चूंकि संख्या ज़्यादा थी तो भागने का अटेम्प्ट किया था पिस्टल लेके और तत्परता से पुलिस टीम ने पीछा किया और इसको जिला अस्पताल ले जा रहा है। बाकी जो न्यायिक प्रक्रिया है उसके तहत कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। थैंक यू। दरअसल 13 जून 2019 को लोहिया गांव में रहने वाले एक शख्स ने एक कुत्ते को इंसानी हाथ मुंह में दबाकर घूमते हुए देखा था। जब पुलिस ने खेत की खुदाई करवाई तो खेत से बिना सिर और हाथ वाला युवती का एक शव बरामद हुआ। मेरठ पुलिस की तमाम कोशिशों के बावजूद शव की शिनाख्त नहीं हो सकी, जिसके बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर अज्ञात के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया। मामले की गंभीरता को देखते हुए मेरठ एसएसपी अजय कुमार सहानी ने स्पेशल टीम का गठन किया। ये टीम पिछले एक साल से लगातार इस मामले की गुत्थी सुलझाने में जुटी हुई है। शव की शिनाख्त पूरी करने के लिए पुलिस ने डिस्ट्रिक्ट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो और स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो में दर्ज लापता युवतियों के बारे में सूचना इकट्ठा करना शुरू किया। आखिरकार लुधियाना पहुंची मेरठ पुलिस टीम के हाथ सफलता लग गई। पुलिस को पता चला कि लुधियाना के मोती नगर इलाके में रहने वाली 23 वर्षीय युवती बीते साल लापता हुई थी। जांच के दौरान युवती की फोटो और मेरठ में मिला शव काफी हद तक मेल खा रहे थे। उसके बाद अमन उर्फ शाकिब को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मेरठ से न्यूज के लिए रजनीश चौहान की रिपोर्ट।